hello everyone i am anurag sir and today i will explain you all class 10th computer chapter number 7 working with tables in html so let's start first topic is borders borders can be applied to most html elements within the body to make a border around an element all you need is border style the values can be solid dotted, dashed, double, groove, ridge, inset and outset. देखिए यहाँ बॉर्डर्स का यूज़ है कि आप उसे ज़्यादातर एस टी एम एल एलिमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं कि आपने जो भी एस टी एम एल एलिमेंट या कंटेंट लिखा हुआ है आप उसे चारों तरफ से कवर अप कर सकते हैं बॉर्डर से और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको डॉटेड का यूज़ करना है सॉलिड डैश्ड और अदर तो ये सभी आपके बॉर्डर पैटर्न हैं और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे चारों तरफ कवर अप कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बॉर्डर्स आर डिस्प्लेड इन टू शेड्स ऑफ ग्रे दैट क्रिएट्स अ थ्री डायमेंशनल इफेक्ट यहाँ पर बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट आपका बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिक पहले से ही डिस्प्ले करता है टेबल के दो शेड्स और वो थ्री डायमेंशनल इफेक्ट में क्रिएट होते हैं डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं द दिनटेक्स फॉर द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज टेबल बॉर्डर कलर इक्वल्स टू कलर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर इज़ एन एस टी एम एल कलर नेम और हेक्साडेसिमल डेसीमल कलर वैल्यू यहाँ पर कलर आपका एस टी एम एल कलर होता है जो आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं या तो फिर आप इसे हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू भी कह सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप अप्लाई दिस एट्रीब्यूट डिफरेंटली तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप होता है वो इन एट्रीब्यूट्स को अलग अलग तरह से अप्लाई करते हैं फेस इन द डायग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर देखिए ये काफ़ी डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है जबकि नेटस्केप में लाइट नेक्स्ट टॉपिक फ्रेम attributes द नेम attribute यूनिकली identifies द फ्रेम इट may बी used as द टारगेट इन एन anchor एलिमेंट तो फ्रेम एट्रीब्यूट अपने नाम से ही यहाँ पर जाना जाता है किसी भी फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली और आपके एंकर एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम फ्रेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं आसान भाषा में कोई भी इम्पॉर्टेंट अगर बात है तो आप उसे फ्रेम के अंदर सेव कर सकते हैं फ्रेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके द एस आर सी एटरीब्यूट द वेब पेज टू बी प्लेस्ड इन द फ्रेम इनिशियली यहाँ वेब पेजेस को फ्रेम में इनिशियली रखने के लिए हम एस आर सी का यूज़ करते हैं द स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर द फ्रेम इज़ टू हैव स्क्रॉल बार्स स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है कि फ्रेम में स्क्रॉल बार होना चाहिए या फिर नहीं द फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर द फ्रेम इज टू है बॉर्डर और फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है कि फ्रेम में आपको बॉर्डर अप्लाई करना है या नहीं नेक्स्ट टॉपिक अलाइन एट्रीब्यूट द अलाइन एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू प्लेस टेक्स्ट और पिक्चर्स टू द लेफ्ट सेंटर और राइट साइड ऑफ द मार्जिन हेयर इज अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर द अलाइन एट्रीब्यूट यू कैन सीन द डायग्राम तो अलाइन एट्रीब्यूट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आपके किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर्स को लेफ्ट सेंटर या राइट साइड मार्जिन के शिफ्ट करने के लिए जिससे आपका टेक्स्ट और पिक्चर पैटर्न और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे यू कैन यूज़ द अलाइन एट्रीब्यूट विथ ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्स लाइक हेडलाइंस पैराग्राफ एंड ग्राफिक अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हर तरह के टेक्स के साथ जैसे कि हेडलाइंस पैराग्राफ या फिर ग्राफिक्स नाउ डिफरेंस बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग इन सेल पैडिंग सेल पैडिंग इज़ यूज फॉर फॉर्मेटिंग परपज़ विच स्पेसिफाइज द स्पेस नीडेड बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल्स एंड ऑल्सो इन द सेल कंटेंट्स देखिए सेल पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेटिंग परपज से जो कि स्पेस को स्पेसिफाई करता है सेल के एजेस के बीच में और सेल के कंटेंट्स के बीच में भी वेयर एज इन सेल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग इज़ वन ऑल्सो यूज फॉर फॉर्मेटिंग परपज़ बट इट सेट स्पेस बिटवीन सेल्स सेल स्पेसिंग भी आपका फॉर्मेटिंग पर्पस से ही यूज़ किया जाता है लेकिन यह खुद सेट करता है सेल्स के बीच में स्पेस को नाउ इन सेल पैडिंग the general format of specifying cell padding in html is table width equals to 100 border equals to 2 cell padding equals to 5 whereas in cell spacing the general format will be table width 100 border is equals to 2 cell spacing equals to 20 yeah. देखिए दोनों फॉर्मेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का टेबल विड्थ और बॉर्डर तो सिमिलर है लेकिन सेल पैडिंग वाले में फाइव है और सेल स्पेसिंग में ट्वेंटी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज वन वी आर इन सेल स्पेसिंग द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज टू नाउ एच टी एम एल वेलाइन एट्रीब्यूट वेलाइन द पर्पज ऑफ एच टी एम एल वेलाइन एट्रीब्यूट इज टू डिफाइन द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ टेबल सेल देखिए वेलाइन एट्रीब्यूट का एस टी एम एल में पर्पज़ होता है यह डिफाइन करता है वर्टिकल अलाइनमेंट को आपके टेबल सेल के कंटेंट्स को इन अ सिंपल लैंग्वेज वेलाइन एट्रीब्यूट आपके टेबल सेल के कंटेंट को किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर ग्राफिक्स को वर्टिकली ऑर्डर में अरेंज कर देता है नाउ इट्स सपोर्टेड एलिमेंट्स एस टी एम एल वेलाइन एट्रीब्यूट सपोर्ट कोल कोल ग्रुप देख कोल का मतलब यहाँ पर कलर है टी बॉडी टी डी टी फुट टी एच टी हेड टी आर एलिमेंट्स तो ये सारे आपके सपोर्टेड एलिमेंट्स हैं वेलाइन एट्रीब्यूट के सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर तिल नाउ टेक केयर गुड डे